हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 3rd से कंप्यूटर सब्जेक्ट से प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2010। इस पर हम देखेंगे, इसमें आप जानेंगे स्टार्टिंग एमएस विंडो, विंडो को स्टार्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड 2010 MS Word 2010 के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज रिबन, बैक स्टेज व्यू एंड ऐड कमांड टू क्विक एक्सेस टूल बार एंड रूलर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि MS Word को हम स्टार्ट कहां से करेंगे। तो इसको अभी मैं मिनिमाइज कर देती हूं। तो चलिए सबसे पहले हम कंप्यूटर ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। MS Word स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आपको MS Word 2010 के आइकॉन शो हो जाते हैं, तो इस आइकॉन पर जाकर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार के आपके स्क्रीन शो हो जाते हैं। इसमें हम जानेंगे MS Word के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट को जानने के लिए हमने एक इसके डायग्राम भी सामने रखे हैं और साथ में कंपोनेंट भी देखते रहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है फाइल। फाइल को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इसके टॉप डाउन मेनू शो हो जाते हैं, जिसमें सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, जिस भी कमांड की हमारी यूज होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्लिक करके हम उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्विक एक्सेस टूल्स पर। ये जो छोटे छोटे आपको आइकॉन्स दिख रहे हैं उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल्स बार हमें प्रोवाइड करता है फ्यू कॉमनली यूज्ड कमांड के शॉर्टकट, अर्थात जिस कमांड्स को हम बार बार यूज करते हैं उसके कुछ शॉर्टकट्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार ऐड कर सकते हैं और साथ ही डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, कुछ कमांड्स पे टिक लगे हुए हैं। जो भी कमांड्स के टिक लगे हुए हैं ये आपके शॉर्टकट की यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे ही आप माउस उस पर रखते हो उसके ऑप्शंस के नाम आपके शो हो जाते हैं। जैसे देखिए, इस पर हमने रखा ये प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट के शॉर्टकट है। नेक्स्ट पर हम रखते हैं ओपन, न्यू पेज, ग्रुप, रिपीट, अंडू। इसी प्रकार अगर आप किसी ऑप्शंस को हटाना चाहते हैं, जैसे हम अंडू को हटा दिए तो ये एक ऑप्शन से यहाँ पर कम हो गए। उसी प्रकार रिडू हटा दिए, जैसे हमें इसका यूज नहीं है तो वो ऑप्शन हट जाते हैं। जैसे हम सेव का कमांड डालना चाहते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं, देखिए ये सेव ऑप्शन यहाँ से आ गया। आप माउस रख कर देख सकते हैं कौन से ऑप्शन से जिसके नाम यहाँ पर शो हो जाते हैं। अब हम जानेंगे टाइटल वन। देखिए इस पिक्चर में आपका शो हो रहा है फर्स्ट लाइन जो है डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर भी हमारा क्लास 3rd प्रैक्टिकल MS Word हमने लिख रखा है, यानी जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हो वो नाम यहाँ पर शो हो जाएगा और उसे हम टाइटल बार कहते हैं। अब हम आ जाएंगे इसी के राइट कॉर्नर पर, आपका क्लोज बटन होता है। तीन क्लोज बटन होते हैं, मिनिमाइज, रीशोर एंड क्लोज बटन। सबसे पहले जानते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने से यह हमारा डेस्कटॉप पर मिनिमाइज हो जाता है। देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये ऑप्शंस मिनिमाइज हो गए। वापस यहीं से हम क्लिक करके इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बटन हो जाता है रीस्टोर बटन। रीस्टोर बटन एंड मैक्सिमाइज बटन दोनों ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं। जब हम रीस्टोर करते हैं तो ये विंडो हमारा छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ये मैक्सिमाइज बटन शो हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो विंडो हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है, यानी यह बीच वाले जो ऑप्शन होते हैं रीस्टोर बटन, फुल विंडो जब रहता है तो रीस्टोर बटन रहते हैं,
और जब विंडो शॉर्ट रहता है तो वहाँ पर ये मैक्सिमाइज बटन शो होता है। एंड लास्ट ये है क्लोज बटन, जहाँ से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं और फिर यहाँ पर जाकर हम फाइल पर जाकर यहाँ से भी एडजस्ट करके हम बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी हमें बाहर नहीं आना है तो वापस हम यहाँ पर आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिबन। रिबन जो ये नाम से दिए हुए इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये सारे ऑप्शंस को हम रिबन्स कहते हैं, जिसके पार्टिकुलर एक ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये फॉन्ट ग्रुप हो गया, ये पूरे बॉक्स जो है पैराग्राफ ग्रुप में है, ये बॉक्स जो है स्टाइल्स ग्रुप में है। तो इस प्रकार के इसके रिबन्स के ग्रुप एंड टैब्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रूलर। ये जो इंच जैसी 1, 2, 3, 4 जो लिखी हुई है, इसे हम रूलर कहते हैं। रूलर आपका टॉप पर एंड लेफ्ट दो साइड में रहता है, जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट की विड्थ एंड मार्जिन को शो कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार भी दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। देखिए ये हमारा स्क्रॉल बार हो रहा है, अप एंड डाउन पेज को कर सकते हैं। और दूसरा आपका हो जाता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार में हम पेज को लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। जब हमारा ये पेज फुल रहता है तो हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार शो होता है। इस पेज को अभी हम फुल कर लेते हैं, फुल स्क्रीन पे पेज आ गया, तब हमारा ये स्क्रॉल बार शो हो रहा है। देखिए इधर से हम लेफ्ट ऐसे मूव कर सकते हैं और इसी को पकड़ के हम इधर राइट मूव कर लेते हैं, तो ये हमारा स्क्रॉल बार लेफ्ट एंड राइट हो गया। तो स्क्रॉल बार कितने प्रकार के हो गए, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड रूलर स्क्रॉल बार। अब हम जानेंगे बच्चों डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम कुछ लिखते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट विंडो बोलते हैं या फिर डॉक्यूमेंट एरिया। जैसे कि आप देख रहे हो एक, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेती हूँ पहले पेज को। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो इस पेज के बीच में मैंने ये पिक्चर्स ड्रॉ किया है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया या डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है। इसी में जब भी हम किसी पेज पर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा डॉक्यूमेंट पेज है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा डॉक्यूमेंट पेज या डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाएगा। अब हम जानते हैं स्टेटस बार। ये नीचे की जो पट्टी है ये स्टेटस बार कहलाती है। इस पिक्चर को भी मैं सामने रखती हूँ जिसमें आप इसको भी रीड कर सकते हैं। ये हमारा नीचे का जो एरिया है ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार से हम कर्सर के पोजीशन का पता करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कर्सर रखा हुआ है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, तो कर्सर हमारा पोजीशन क्या है, कर्सर का किस पेज नंबर पर, किस कॉलम पर, किस लाइन पर कर्सर हमारा है, ये स्टेटस हमें स्टेटस बार में शो होता है। जैसे देखिए अभी करेंटली जो हम आपको बता रहे हैं उसमें पेज 2 of 2 यानी दो पेज हम ले रखे हैं। देखिए हमारे पेज क्या है, एक पेज पर ये हमने डायग्राम ले रखा है, दूसरे पेज पर ये लिख रखा है, तो कितने हो गए 2 पेज। तो स्टेटस हमारा बता रहा है 2 and 2 दूसरे पेज पर है, एंड वर्ड्स हमारे 4 and 24 यानी ये टोटल जो हमने वर्ड्स लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये करीब 24 वर्ड्स हैं, तो ये हमारा स्टेटस बताता है। अब हम आएंगे व्यू ऑप्शंस। ये हमारे व्यू ऑप्शंस होते हैं। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर माउस को ले जाएंगे ये आपको बता देगा प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट है एंड ड्राफ्ट है। तो जिसमें ये अलग अलग व्यू जो है पेज के इसमें शो होते हैं। जैसे मान लीजिए हम फुल रीडिंग स्क्रीन करते हैं, ये पूरी फुल रीडिंग स्क्रीन आ जाती है। उसी प्रकार अलग अलग स्टेटस इसके शो होते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम आ जाएंगे आपका जूम स्लाइडर। ये नीचे जो है आपका जूम स्लाइडर कहलाता है। ये देख रहे हैं माइनस से प्लस, यहाँ पर 0 माइनस हो रहा है, जूम आउट एंड जूम इन,
ये जूम स्लाइडर कहलाता है। जैसे हम माइनस की तरफ बढ़ते हैं ये हमारा मिनिमाइज होता जाता है। जैसे देखिए ये हम माइनस पर क्लिक करेंगे पेज हमारा मिनिमाइज होता जाएगा, और प्लस की तरफ हम जाएंगे तो पेज की साइज बढ़ती जाएगी, तो ये जूम इन एंड जूम आउट हो जाता है। अब हम जानेंगे रूलर। रूलर हम जान चुके हैं एंड ऐड कमांड टू क्विक एक्सेस टूल्स बार। तो आज हमने अपने लेसन में क्या क्या सीखा, एमएस वर्ड को स्टार्ट करना, कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज रिफंड, बैक स्टेज व्यू, ऐड कमांड टू क्विक एक्सेस टूल्स बार एंड रूलर। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।